हेलो गाइस, वेलकम टू इमानो कॉमिक्स। आज मैं वॉल्यूम ड्राइंग करना सिखाऊंगा। मैं अपने लास्ट वीडियो में कमिट किया था कि डायनामिक ड्राइंग सिखाऊंगा बोल के, लेकिन डायनामिक ड्राइंग थोड़ी देर बाद में, थोड़ा और बीच का कुछ चीज़ें मैं ऐड कर लूँ, उसके बाद डायनामिक ड्राइंग में मैं आऊँगा। तो आज जो चीज़ हम सीखेंगे उसको कहते हैं वॉल्यूम ड्राइंग। किसी भी ड्राइंग में अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रहा हूँ या कुछ भी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तो उसका एक वॉल्यूम होता है। अगर मैं एक एप्पल को ले लूँ तो ये एक, अगर उसका जो बेसिक शेप है वो है एक स्फीयर। एक बॉल को ले लूँ तो एक स्फीयर है। तो एप्पल को अगर मुझे ड्रॉ करना है, तो अगर आपके विजन में ये पोर्शन अगर सामने दिख रहा है, तो ये धीरे धीरे देखिए जी एक्सिस के कारण पीछे जा रहा है ना। अगर मैं यहाँ से एक्स एक्सिस खींचू, सॉरी वाई एक्सिस खींचू, और ये मेरा एक्स एक्सिस रहे, तो एक्स वाई, तो ये जो पार्ट है ये पार्ट है जी एक्सिस। तो जी एक्सिस में ये सारे चीज आता है, ये धीरे धीरे जी की तरफ जा रहा है, ये साइड पूरा जी की तरफ है, ये साइड भी जी की तरफ जा रहा है। तो ये सबसे नजदीक एरिया है। अगर मैं यहां से एक लाइन खींच दूं तो ये लाइन आपके नजदीक है, लेकिन ये लाइन सारे आपके आंखों से दूर होता 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 जा रहा है धीरे धीरे, है ना। तो इस चीज को अगर हम समझ ले और उसको अगर ड्राइंग में इम्प्लीमेंट कर दे, तो इसका जो मास है, जो इसका वॉल्यूम है, वो कंप्लीटली खाली लाइंस के जरिए हम दिखा सकते हैं। वही चीज मैं आपको सिखाऊंगा आज, सिर्फ ड्राइंग के जरिए, लाइन के जरिए ऐसे वॉल्यूम कैसे क्रिएट किया जा सकता है। अगर आपके दिमाग में ये वॉल्यूम एकदम क्लियर बैठ जाएगा, तो आप दूसरों को ये जो हम ड्राइंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं, बेसिकली हम कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने ऑडियंस के साथ। तो जो चीज हम दिखाना चाहते हैं अपने ऑडियंस को, उसको दिखाने के लिए तब तक हम नहीं दिखा पाएंगे जब तक हमारे दिमाग में वो आइडियाज क्लियर नहीं हो रहेगा। अगर हम खुद के सामने क्लियर है, तो मैं दूसरों को भी क्लियर से उसको क्लैरिफाई कर सकता हूँ, बता सकता हूँ। तो आइए इस वीडियो के साथ रहिए, अंत तक देखिए, आनंद उठाइए। मेरे चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि अपडेटेड वीडियो आपके पास आते रहे। हाँ, ये सही है कि मुझे वीडियो बनाने में इस बार थोड़ा देरी हुआ, क्योंकि मेरा ऑफिस है, ऑफिस का जॉब चल रहा है, जिसके कारण मैं थोड़ा बिजी रह रहा हूँ। अगर देरी भी हुआ तो भी कोई बात नहीं, मैं आया करूँगा। नमस्ते। तो चलिए शुरू करते हैं। वॉल्यूम ड्राइंग, जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया, तो सबसे पहले ये नॉर्मली एक सर्कल दिख रहा है, ये भी एक सर्कल है। तो अगर मैं यहां पे एक ऐसा लाइन खींचू, ऐसे कर्व बनाऊं, ये दर्शाने के लिए कि ये जो लाइन है ये एक बॉल है जिसके सामने से ये लाइन गया, जिसके सामने से ये लाइन गया और ये लाइन बॉल के पीछे से गया, जो दिखाई नहीं देना चाहिए, लेकिन मैं जिस किस्म का ड्राइंग किया उसको बोलते हैं सी थ्रू ड्राइंग्स। तो यहां पे ये जो लाइन है ये इस बॉल का एक एक्सिस है, ये भी इस बॉल का एक एक्सिस है। तो ये भी, ये लाइन फ्रंट में है और ये लाइन फ्रंट में है, ये लाइन बैक है, ये लाइन भी बैक में है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमको इसके वॉल्यूम के बारे में पता चलेगा। अगर मैं फिर खाली छोड़ दूं तो देखो,
अब लग रहा है ना ये एक बॉल, तो सेम चीज हमको ड्रॉ करना है कैसे? ये अंडाकार एक शेप ले लिया, ओवल। फिर यहां पे हमने इस शेप को थोड़ा ट्विक किया, तो देखो ये मैंगो का शेप बन गया, ये मैंगो दिख रहा है। एकदम सिंपल से ड्राइंग कर रहा हूं मैं। फिर ये मैंगो का जो वॉल्यूम है, जो इसका सॉलिडिटी है, तो ये अगर ये मैंगो है तो ये जहां पे मेरा थंब टच कर रहा है वो मेरे नजदीक है, वो मेरे नजदीक है, और जहां पे ये उंगलियां सारे टच कर रहा है वो पीछे की तरफ है ना। अगर मैं मैंगो को पकड़ लूं तो इस तरह से ये रोटेट होगा, है ना। तो ये थंब जहां पे कनेक्ट हो रहा है ये एरिया मेरे नजदीक है, तो मतलब ये मेरे नजदीक है। तो ये नजदीक का लाइन मैं पहले खींच रहा हूं, उसके बाद ये साइड वाला लाइन मैं धीरे धीरे खींच लूंगा। अभी इसमें भी ये टॉप है ना, ये एरिया टॉप में है। ये भी धीरे धीरे पैराबोलिक होता जाएगा। तो यहां पे ये लाइन मेरे नजदीक है, इसका ऑपोजिट जो लाइन है वो पीछे की तरफ है। यहां पे ये लाइन मेरे नजदीक है, ये ऑपोजिट में चला गया। यहाँ पे ये लाइन मेरे नजदीक है, ये ऑपोजिट में चला गया। यहाँ पे ये लाइन मेरे नजदीक है, सामने की तरफ है, और ये ऑपोजिट में गया। यहाँ पे ये लाइन मेरे सामने है, ये ऑपोजिट में गया। यहाँ पे ये सामने है, ये ऑपोजिट में गया। अगर मैं इस मैंगो को अभी मैं जहां पे थंब मेरा नजदीक है यहां से देख रहा हूं, लेकिन अगर मैं यहां से देखूं इस मैंगो को, अगर ऐसे घुमा दूं, तो ये थंब अभी ये साइड को आ गया, मतलब ये जो पॉइंट है ये अगर यहां पे आ जाएगा तो ये जो लाइन मैंने खींचा था वो ऐसा दिखेगा। तो ये लाइन जो है ये मेरे सामने है, ये लाइन जो है ये यहां पे है, ये लाइन जो है वो यहां पे है, ये लाइन यहां पे है, ये लाइन यहां पे, ये लाइन यहां पे, और ये लाइन यहां पे। तो देखा जाएगा यहां से अगर एक वर्टिकल लाइन खींचूंगा तो देखो ये लाइन सबसे मेरे आंखों के सामने है, मेरे आंखों के सामने ये लाइन है, इससे थोड़ा दूर ये है ना, फिर इससे थोड़ा दूर ये है, ये दो लाइन, फिर उससे थोड़ा दूर ये दो लाइन है, फिर उससे दूरी में ये जा रहा है। तो ये धीरे 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 दूर की तरफ, मतलब जी एक्सिस की तरफ जा रहा है, मतलब ये सारे लाइंस जी एक्सिस की तरफ वो ऐसे घूम के जा रहा है वो साइड में। तो ऐसे अगर हम वॉल्यूम क्रिएट करना चाहें किसी ड्राइंग का या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो हम आराम से इसको दिखा सकते हैं, निकाल सकते हैं, है ना। ठीक इसी तरह से अगर आम के जगह मैं एक एप्पल को ड्रॉ कर लूं, ये भी एक स्फीयर ही समझ लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा इसको ट्विक करते हैं।
इसका हम बोल सकते हैं ये एप्पल है। अभी देखो मतलब हल्का सा यहाँ पे एक आभास जैसा थोड़ा सा मिल गया मुझे। है ना, तब एप्पल का भी मैंने वॉल्यूम निकाल लिया, राइट। तो ये एप्पल किसी भी एंगल में रहे हम इस हिसाब से इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। थोड़ा इसका डायनामिक व्यू बना देते हैं ताकि मजा आ जाएगा। किसी को भी अगर जनरली मैं एप्पल ड्रॉ करने बोलूंगा तो वह ऐसे ही एप्पल ड्रॉ करके छोड़ देगा, ऐसे एप्पल ड्रॉ करके छोड़ देगा। तो ये एकदम सरल है, कोई भी करेगा। लेकिन इसका अगर कलाकारी इसमें क्या है, इसमें कुछ भी कलाकारी नहीं है। हाँ, कलाकारी इसके डिटेलिंग में है कि आर्टिस्ट को देखना चाहिए एकदम बारीकी से, वो दर्शन ही सबसे बड़ी बात है। तो इस एप्पल को समझ लो कि ये एप्पल ऐसा है, इसका टॉप ऐसा है, तो एप्पल को थोड़ा ऐसे घुमा देते हैं, ऐसे घुमा देते हैं। तो ये जो एरिया है, ये एरिया यहाँ पे आ जाएगा, ये जो है ये यहाँ से चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आएगा इसका एक्सिस, फिर ये लाइंस भी ऐसे ऐड होता जाएगा। अब इसका वॉल्यूम क्लियर लग रहा है। ठीक इसी तरह अगर मैं एक पामकिन का ड्रॉ करूंगा तो वो भी बिल्कुल ऐसे ही होगा। पामकिन का ऐसे टुकड़ा टुकड़ा अलग अलग रहता है। तो अगर एक हिस्सा भी मैं निकाल लूं, अगर मैं समझ लेता हूं कि ये एक हिस्सा है, तो इसका भी अगर कोई भाग हमको बनाना है तो ये अलग 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 एक एक हिस्सा। तो ये ड्राइंग में क्यों सीखूं, क्यों करूं ऐसा? देखो अगर यहां पे खाली इतना ही एरिया को मैं ले लूं, तो अगर लाइट कहीं से आ रहा है, अगर मैं इमेजिन कर लूं कि लाइट इस दिशा से आ रहा है, तो यहां पे कौन से एरिया में, तो जाहिर है कि ये जो एरिया है यहां पे डार्क ज्यादा रहेगा, यहाँ पे ये साइड को थोड़ा लाइट रहेगा। तो अगर ये तीन पार्ट में अगर मैंने इसको डिफाइन कर लिया, तो मुझे शेडिंग के लिए टाइम में भी ये देने में बहुत इजी रहेगा कि मैं यहाँ पे ऐसा लाइन खींचूंगा, यहाँ पे ऐसा लाइन खींचूंगा, और यहाँ पे थोड़ा डार्कर इसका शेडो बनाऊंगा मैं। तो देखो तीन पार्ट मुझे मिल गया, एक दो तीन। तो इस तरह से अगर मैं यहाँ पे डार्क कर दूँ,
यहाँ पे मिड टोन यूज करूँ, यहाँ पे लाइटर टोन यूज करूँ, तो देखो ऑटोमेटिकली एक हिस्से का वॉल्यूम मेरा निकल के आ गया। ठीक है, तो ये डार्क टू लाइट, ये डार्क टू लाइट, तो ऑटोमेटिकली ये चीज मेरा ये डायमेंशन क्लियर हो गया इसका। तो अगर एक हिस्से का मैं निकाल सकता हूं तो बाकी हिस्से का भी धीरे 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 निकाल सकता हूं। तो ये बेसिक फंडा है इसको सीखने का, दिमाग में एकदम क्लियर इसको कर लेने का। तो आज इतना तक ही है, बस आप लोग इसका अभ्यास करते रहिए कंटिन्यूअसली, इसको स्टॉप मत कीजिएगा। जब भी आप स्टॉप कर देंगे तो आपके लिए हानिकारक हो जाएगा। इसलिए किसी भी ऑब्जेक्ट को आप ले लीजिए, मैं तो यह फ्रूट्स और सब्जी के एग्जाम्पल दिखाया, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को लेके कर सकते हैं। आप एक गिलास ले सकते हैं, आप एक मैच बॉक्स ले सकते हैं, आप एक पैकेट ले सकते हैं, आप एक इरेजर ले सकते हैं, शार्पनर ले सकते हैं, एक सिलिंड्रिकल शेप जैसे कि ये पेंसिल जैसे कि एक सिलिंड्रिकल शेप में है, या फिर आपके सामने कुछ है सिलिंड्रिकल शेप जैसे कि मेरे सामने एक है हैंड सैनिटाइजर, तो ये भी एक सिलेंडर है, इसको भी आप घुमा घुमा के ड्राइंग कर सकते हैं, अलग अलग एंगल से इसको ड्राइंग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने सिलिंड्रिकल शेप में दिखाया था, अलग अलग एंगल में ड्रॉ करना, बिल्कुल वैसे ही। तो आप घुमा घुमा के ऐसे ड्राइंग कीजिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरों तक पहुंचाने का मौका दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।